I can't think. What am I supposed to do? Hi guys, अभी रात के बज रहे हैं 12:03 और अभी मैं जा रही हूँ केक काटने, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और अभी मेरे हस्बैंड केक ला करके उसको रेडी करके मुझे उठाकर लाए केक काटने के लिए। तो अभी मैं केक काटने जा रही हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। और बाकी पूरे दिन का क्या होगा, कहाँ हम पार्टी करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि वो मुझे कुछ भी बताया नहीं गया है कि होगा नहीं होगा, कहाँ होगा, तो वो मैं आपको बाद बताऊंगी। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ केक काटने, तो चलिए केक काटते हैं फिर। फिर बात करती हूँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि अभी मैं सोई थी, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, गुड नाइट मॉर्निंग। और आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू मी। ठीक है, आज 10th of December है, तो 10th December को होता है मेरा बर्थडे। और रात को 12 बजे मेरे हस्बैंड ने मुझे केक कटवाया उठा के, और मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोली नहीं, केक काट के बस मैं सो गई जाके। और क्योंकि उससे पहले भी मैं वीडियो एडिट का काम कर रही थी तो मुझे नींद आने लगी थी। और अभी सुबह उठी हूँ तो फटाफट से उनका लंच बनाया है और वो लंच लेकर के ऑफिस चले गए। और आज दिन का रूटीन क्या होता है, पार्टी होती है नहीं होती है, कहाँ होती है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इसका। ठीक है, तो जो होगा सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और वैसे मेरी बेटी काफ़ी छोटी है और ठंड का टाइम है तो मैं कहीं बाहर जाना प्रेफर नहीं करती हूँ। मतलब जब तक बेटी नहीं थी तो हम लोग बर्थडे पार्टी वगैरह ये सब बाहर सेलिब्रेट करते थे, पर जब से मेरी बेटी हुई है तो मैं कहीं बाहर नहीं जाती जल्दी, क्योंकि उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी वो कुछ भी ऐसा खाती पीती नहीं है और ज़्यादा लोगों को देख करके रोने भी लगती है, तो इसलिए मैं बाहर तो नहीं जाऊँगी, ऐसा कहीं तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं घर पर ही होगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे कहीं भी हो। तो इसलिए जो होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, एक्सपेक्ट है थोड़ा सा मुझे कि मेरे हस्बैंड क्या पता मुझे कुछ सरप्राइज पार्टी दे दे, या फिर अगर सरप्राइज पार्टी ना दे तो कुछ अच्छा गिफ्ट मिल जाए, मे बी ऐसा मुझे लग रहा है, क्या पता कुछ हो जाए मिल जाए। तो मैं जो भी होगा वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ठीक है, तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी हम लोग निकल लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, और ये देखिए मेरी बेटी तैयार है, इंजॉय करते हुए जा रही है अभी, पर इनका कोई भरोसा नहीं है कब इनको क्या हो जाएगा, क्योंकि रोना आने लगता है। और पीछे ये है हमारा स्नोफी भी, स्नोफी स्नोफी, तो ये भी जा रहा है बर्थडे सेलिब्रेट करने। और हम लोग जा रहे हैं इनके फ्रेंड के यहाँ, मतलब मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है उनके घर पे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी भी है, तो मेरा बर्थडे और उनकी एनिवर्सरी हम लोग साथ ही में सेलिब्रेट कर लेंगे। और वैसे बहुत ज्यादा कुछ वैसा है नहीं, बस छोटा मोटा ऐसे ही सेलिब्रेशन। मैंने पहले बताया था कि मेरी बेटी को भीड़ भाड़ ऐसा कुछ पसंद नहीं है, म्यूजिक पसंद नहीं है, रोने लगती है, तो इसके हिसाब से ही हमको जो भी कर रहे करना पड़ेगा। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, तो मैं पहुंच के फिर आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ आए हैं, क्या है उनकी, कैसा घर है, क्या है। ठीक है, ये है इनकी ये सोसाइटी।
अच्छी है, अच्छी सोसाइटी है। तो हम लोग बस अभी पहुंच गए जहां हमें आना था, और फटाफट से अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। फिर मैं दिखाती हूँ क्या तैयारी है, क्या है, कैसा है, ठीक है। ये देखिए मेरी बेटी भी जा रही है बॉटल लेके, तो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं। ये देखो बलून्स, वाओ वाओ, चलो 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 चलो, देखो 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 देखो, हम लोग पहुंच गए। बर्थडे सेलिब्रेट करने, ये देखो वाओ, इतने सारे बलून्स हैं, देखो बेटा। और हैप्पी एनिवर्सरी फर्स्ट, डांस हो गया, केक कट गया, पार्टी हो गई, हल्की फुल्की पार्टी थी, हो गई, एंजॉय कर लिया। और अब मेरी बेटी के भी सोने का टाइम हो गया, लेट हो रहा है, और उसका डेली का टाइम है 11 बजे 12 बजे वो सो जाती है, तो मुझे उसको उस टाइम पे सुलाना ही है, ठीक है। और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे को क्या गिफ्ट दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सरप्राइज गिफ्ट। मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा शर्म आती है, तो मुझे रिंग पहनाएंगे नहीं, इसलिए मैं दिखा देती हूँ। ये तो अच्छी है ना, मुझे ये मिला है बर्थडे गिफ्ट। तो अब मैं फटाफट से अपनी बेटी को अब सुलाऊंगी, और अभी तक हम लोगों ने अपना डिनर फिनिश नहीं किया है, तो हमें वो भी करना है करके अब बस हम लोग सोएंगे, क्योंकि अभी हम दूसरे के घर पे हैं वैसे भी, तो बेटी को सुलाना है, उसे जल्दी नींद भी नहीं आएगी, तो मैं उसे सुलाने जा रही हूँ, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे और हम लोग भी सो जाएंगे, और हम लोग यहाँ से सुबह जाएंगे। तो अगर मुझे कुछ दिखाना हुआ तो फिर मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। आज 11 तारीख हो गई और अभी हम लोग अपने घर जा रहे हैं, अराउंड 9 बज रहे होंगे, 9:30। तो हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके जा रहे हैं, अब बस अब थोड़ी देर में अपने घर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो पार्टी जैसी भी थी हो गई और आराम से, ठीक है।
ठाक थी मेरी बेटी भी, कोई ज्यादा कुछ था नहीं, तो आराम से थी, कोई ज्यादा टेंशन हुआ नहीं। ठीक है, तो चलिए अब घर पहुंचे हम, फिर मुझे इनको भी कुछ खिलाना पिलाना होगा क्योंकि ये कहीं खाती पीती तो है नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।